नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसाइट्स। बिहार सरकार लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, उसकी रूपरेखा बदलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और जब से आईएएस के पाठक ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव का पदभार ग्रहण किया है, तब से लगातार वो तमाम स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और जो छात्र छात्राओं को असुविधा होती थी उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। लगातार निर्देश भी दे रहे हैं कि तमाम जो ये चीजें हैं उसको जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए। इसके बावजूद भी कटिहार का एक ऐसा स्कूल है जहां पे जो बच्चे हैं वो मूलभूत सुविधा के लिए भी तरस रहे हैं। आलम ये है कि यहां पे एक चापा कल तक नहीं है और बच्चे जो है प्यास बुझाने के लिए तरसते हैं, बच्चे पानी के लिए तरसते हैं। और ऐसे में यहां पे पढ़ाई तो होती है, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से होती है, लेकिन बच्चों के बैठने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। बच्चे अपने घर से बोरा लेकर आते हैं, वहां पर तब बैठते हैं। और ऐसे में पानी की सुविधा वहां पे नहीं है, चापाकल भी नहीं है, क्योंकि चार दीवारी सही तरीके से नहीं होने की वजह से जो चापाकल है वो चोरों ने जो है उखाड़ कर ले गए थे, जिसके बाद जो है काफी ज्यादा परेशानी बच्चों को होती है। ऐसे में जो बच्चे हैं और स्थानीय लोग हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं इस बारे में, वो आप सुने। यहाँ पर घर से पानी लाकर पीते हैं, यहाँ चापाकल नहीं है। चापाकल नहीं है? नहीं। तो क्या करते हो प्यास लगने पर? घर से लाते हैं पानी पीने के लिए। बाल्टी में पानी भरा हुआ रहता है? हाँ। नीचे ही बैठते हो विद्यालय में? हाँ। बेंच उंच नहीं है? नहीं। फ्लोर टूटा हुआ है? हाँ। कितना दिक्कत होता बैठे हो? बहुत दिक्कत होता है। क्या चाहती है? हाँ? क्या चाहती है? यहाँ ब्रिंच उड़ींच लग जाए तब बैठने में अच्छा लगे। क्या नाम है? आराध्या। विद्यालय का स्थिति अभी जर्जर है, मास्टर लोग उससे जूझ रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, पर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारा कहने का मतलब है कि हमारा ही समाज का लोग है, बच्चा है, हरिजन समाज के लोग में पढ़ रहे हैं, बच्चे लोग आ रहे हैं, अपना चटाई लेके आते हैं, बोड़ा लेके आते हैं, इनका हर चीज़ सुविधा होनी चाहिए। पंखा नहीं है, बहुत तरह की बात है जो इनको मुहैया कराया जाए। पानी की व्यवस्था? जी, पानी का भी व्यवस्था गलत है, नहीं है। यहाँ पे परसीमन होनी चाहिए, परसीमन नहीं हुआ। बच्चे हमारे प्रार्थना करते हैं तो मान कर चलिए कि इस खुले मैदान में करते हैं, पर क्या होता उनका ध्यान बढ़ जाता है। देखिए, बच्चे हमारे हैं, अगर अच्छा शिक्षा ना होगा तो उनकी ध्यान अलग बढ़ जाएगी। क्या नाम है? मेरा नाम अवधेश मल्लिक है। तो आपने बच्चों और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो क्या कुछ बता रहे थे वो भी आपने सुना, कि बच्चे बता रहे थे कि बेंच भी नहीं है बैठने के लिए, साथ ही पानी जो है वो अपने घर से लेकर आते हैं और दिन भर जब वो स्कूल में रहते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि वहाँ पे एक चापाकल नहीं है बैठने के लिए, बेंच नहीं है, डेस्क भी सुविधा नहीं है, चार दीवारी भी सही से नहीं है। वही स्थानीय लोगों को भी आपने सुना कि उन्होंने क्या बताया। ऐसे में अब आपको स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक को भी सुना देते हैं कि क्या कुछ बता रहे हैं। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसमें तो बड़े पदाधिकारी से आप मिलिए, बात कीजिए। हमारे पास तो कोई फंड है नहीं जो कि हम विद्यालय के लिए कुछ कर सकें, जहाँ तक होता है वहाँ तक कर रहे हैं। कितने सर छात्र छात्रा कितना है? 138 छात्र छात्रा है मेरे पास। स्टूडेंट शिक्षक कितने? दो। चार दीवारी वगैरह नहीं? कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी। चापाकल गलवाते हैं, यहाँ से चोरी हो जाती है, बराबर की यही रूटीन है। यहाँ चार दीवारी भी नहीं है, बहुत परेशानी है। दारू तारू गजा पी के यहाँ सारा काम डिस्टर्ब, परेशान रहते हैं, हम खुद परेशान रहते हैं, हम दूसरे को क्या बोलें। किसी से कोई बात बोलिए तो उल्टा जवाब मिलता है। हरिजन एक्ट ही पहले तो वही हरिजन एक्ट होगा ही आप पे, उसके बाद पता चलेगा आपको क्या होता है। दो सर, दो टीचर हैं। मेरा नाम त्रिभुवन सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापक। तो आपने हेडमास्टर को भी सुना जिन्होंने इस स्कूल की जो बदहाली है उसके बारे में बताया। आपको बता दें कि कटिहार की यह जो खबर है, जब कटिहार का एक सरकारी स्कूल इस जर्जर स्थिति में है। आपको बता दें कि जो तस्वीर आई है कटिहार के नया प्राथमिक विद्यालय अम्बेडकर कॉलोनी की है, और ये जो कॉलोनी है वो महादलित आबादी बहुल वाला इलाका है, और इस विद्यालय में 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, 1 से 5 तक की कक्षाएँ चलाई
जाती हैं। इसमें कुल 138 छात्र छात्राएं और 138 छात्र छात्राओं पर जो है सिर्फ महज दो ही शिक्षक हैं यहाँ पे। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से कैसे होगी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि लगातार सरकार जो है स्कूल की रूपरेखा तैयार करने के लिए काम कर रही है। आईएएस के पाठक भी लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि वो तमाम स्कूल जाएं, इसका निरीक्षण करें, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है सही ढंग से हो सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।